आप लोगों का भी क्वेश्चन है कि सुचिता के यहाँ दीदी आप जाओगे कि नहीं जाओगे, तो मैं आपको एवरीवन आप सब कैसे हैं, आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे आज आप देख रहे हैं सुबह सुबह मेरे चेहरे की रौनक देख के आप बता सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सुबह होगी। और यहाँ पे सुबह उठ के काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है हम आपको बता दें। यहाँ पे कुछ साड़ियाँ पैक हो रही हैं, इसका रीज़न ये है कि कल मैंने तेजस सिंह ऑफिशियल वाले चैनल पे स्टेटस में कुछ साड़ियाँ लगा दी थी, तो जैसे ही मैंने स्टेटस पे लगाई वो साड़ियाँ धड़ाधड़ लोगों ने खरीद ली। और अब जब खरीद लिया है तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि उनकी साड़ियों को जल्दी जल्दी डिस्पैच करा देना, तो सारी साड़ियाँ यहाँ पे डिस्पैच हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये सारी साड़ियाँ मतलब यहाँ पे मतलब जितनी भी साड़ियाँ स्टेटस पे लगी थी सारी निकल चुकी थी। ये पॉलिथीन है, अभी तो इसी ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में डाली जा रही है और ये डिस्पैच करके हम लोग भेज देंगे तुरंत। और अभी तेजस लेके जाएंगे क्योंकि हम लोग तो अभी घर में हमको बहुत ज़्यादा काम है तो हम लोग तो नहीं कोरियर कर पाएंगे, पर तेजस लेके जाएंगे। तो तेजस सिंह ऑफिशियल वाले मतलब वो पे उसको इंस्टाग्राम पर लोग फॉलो कर लीजिएगा, स्टोरी पे जो भी अगर साड़ियाँ आप देखिएगा ना, आप रेट पूछिएगा डीएम पे, तो वहाँ पे आपको रेट पता चल जाएगा और वहीं से एड्रेस पे कुरियर हो जाएगा। तो बहरहाल ये जा रहा है। और जिन्होंने मतलब एक ने तो उन्होंने वो तीन साड़ियाँ एक साथ ली थी, तो हम लोग पर्सनल अपनी साइड से छोटा ही गिफ्ट मगर दे रहे हैं हम लोग सब, मतलब जितने भी हम लोग उससे परचेज किए हैं, जितने भी फॉलोअर्स परचेज किए हैं उनको अपनी साइड से कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो बहरहाल अब साड़ियाँ सारी पैक हो रही हैं और पैक करके फटाफट आके को और काम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दुल्हन आ गई हैं नहा धो करके, एकदम ड्रेस वेस पहन के रेडी हो गई हैं। अब इनका काम एक ही है जो लोग आप सब लोग जानते हो, पूरी दुनिया के हर एक कोने का इंसान जानता है कि क्या करने जा रही है। मेरा लाइनर तुम्हारा ये वाला था क्या? आजकल यही वाला लगा रहे हैं। अच्छा आप सोचे स्केच वाला। प्रीत तुम भी रेडी हो? रेडी हो क्या करने? क्या करने, क्या किया जाएगा? मुझे पानी पियो। अच्छा पानी। आई एम नो रेड सर। रेड सर मीडिया। तुमको मैचिंग पहनी करती है। मैचिंग नहीं, तुम्हारा काम ही नहीं मैचिंग का। तो फाइनली यहाँ पे बता से खाने का मजा। अब इतना मैं पूरा अकेले खाऊंगा, देखना तुम अकेले नहीं खाओगे, मीत दिखाएंगे। और इन भैया के साथ बता से खाने का मजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बता। पानी एक नंबर का बनाते, जबरदस्त बनाते। बस यही है कि एक हफ्ते 10 दिन में एक दो बार आते हैं और जब इनसे पूछो तो कहिए कि चले जा रहे हैं अपने घर, चले जाए थे गांव, चले जाए थे दोस्त की शादी में, चले जा रहे हैं यही सब बहाना बता दी। पानी बता से इतने ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं इनके कि मोहल्ले में सब इंतजार करते हैं इनका। सही बात। 10 के दे दो 10 के नहीं 10 20। चलिए ठीक 20 रुपये का दे दीजिए। तो इसमें आप लोग को नहीं मिलेगा, आप लोग खा चुके हैं। हम लोग खा चुके हैं। मजा आई मम्मी? हमारी माँ है, खा भी सकती है, है ना? ये माँ कह कह के आप लोग मेरे बाप। हम भी खा सकते हैं उसमें, जो भी खाएंगे मिल बांट के खाएंगे तभी प्रेम बढ़ेगा। घर के ही सामने कूड़ा कर दी मम्मी, वाह। घर के अंदर फेंक दी, वाह मम्मी वाह। तो फ्रेंड्स दुल्हन गई हुई हैं, यहाँ पे नहा ली थी, नहाने के बाद चली गई हैं वो वीडियो शूट करने के लिए। हमारे पास भी कस्टमर आ गए थे दुकान पे, तो वो शूट उनका हो पाया कि नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी देर हो गया हमको भी दुकान पे रहे, उनको भी वो तो तुरंत ही चली गए थे, हमने आपको दिखाया भी था, वो तैयार हो गई थी फाइनली और वो चली गई थी। हम चल रहे हैं अंदर, अंदर देखें जा करके अंदर कभी क्या माहौल चल रहा है। अंदर तो बड़ा सुकून है भाई, कुछ भी हो वहाँ पर एकदम धूप ऊप लगते हुए। तुम्हारा वीडियो वीडियो शूट कहाँ है मम्मी, कहाँ है? नहीं है ना, शूट हो गया क्या? हाँ वीडियो कपड़े शूट कर ली। कहाँ थे? अरे यार दुकान पे आए थे, कस्टमर आ गए थे। अच्छा ये क्या हुआ खजूर? यार ये मुझे लग रहा है ना थोड़ा गड़बड़ है, मैं वही देखना चाहती हूँ कि इस पे कुछ कीड़े उड़े तो नहीं। कर दो तो रिटर्न कर दो वापस, वही देखना चाहती हूँ। पता नहीं कैसे अजीब सा लग रहा है, कीड़े उड़े तो नहीं पड़ते? नहीं कीड़ा उड़ा तो नहीं पड़ा होगा इसमें, दिखाओ मुझे भी दिखाओ। मतलब उतना अच्छा टेस्ट नहीं लग रहा है, लग रहा है पता नहीं ठीक तो लग रहा है। पिछले साल है ना हम लोग कितना ढेर सारा लेके आए, सारे आम खराब निकल गए, इसीलिए ठीक है ठीक है। कुछ गड़बड़ जो एकदम ब्राउन ब्राउन हल्के होंगे उसको हटा देना, बाकी सब खा लेना। हम सोचे इसको वापस करेंगे यार, जो दूसरा डिब्बा वापस कर दो। वापस कर दो? सही है।
सही नहीं लग रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स आज आप मेरा आउटफिट करीब से देख लीजिए। आज मैं रेड कलर का ड्रेस पहनी हूँ। कैसा लग रहा है ये कुर्ती एकदम? मैं तो इतना हैवी सूट कभी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, पर इंस्टाग्राम से आया था तो पहले तो मैं कह रही थी कि मेरे पर बहुत हैवी लगेगा, पर वो लड़की जो पेज वाली थी वो कही कि दीदी बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर, प्लीज़ आप इसको ले लीजिए। और फिर मैंने उसके कहने पर इसको ले लिया और आप बताना कि कैसा लग रहा है ये सूट मेरे ऊपर। ये सब कलयुग के बच्चे हैं, ये तो थोड़ा बहुत पतन किताब उताब देख रहे हैं। ये दोनों लोग सुबह से लेकर शाम तक खाली अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों सुबह? जीवन तुम्हारा यही है तुम दोनों लोगों का ना, पढ़ना लिखना है नहीं? बताओ सुबह सही बात है कि नहीं? पढ़ना है, ये जीवन यही है। यहाँ पे शुभम को गेयर में ले लिए। शुभम थोड़ा सा नर्वस हो गया कि मामी आज गुस्से में है, तो बहरहाल शुभम को थोड़ा सा, आप सोचोगे ये शुभम कौन है, तो मैं आपको बता दूँ कि मगर बगल में एक दीदी रहती है, उन्हीं का बेटा है और मैं उसकी मामी हूँ। तो बस ऐसा कुछ है। बहुत अच्छी, वो अयोध्या का है ना, तो बहुत अच्छी भोजपुरी बोलता है, तो उससे मैं जब भी बात करती हूँ तो उससे, उसको मैं खड़ी हिंदी में उससे बात नहीं करती, मैं उससे भोजपुरी में ही बात करती हूँ, मुझे बहुत मजा आती है। और पति देव ये देखो कैसे फ़ोन पे बिजी हैं यार। हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा कि हमें मोबाइल में एप्लीकेशन अपने आप डाउनलोड हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब ये तो हम नहीं जानते, हम टेक्निकल गुरु जी नहीं हैं। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों का भर भर के एक क्वेश्चन और भी है, लोगों का कंफ्यूजन है क्योंकि इस समय सारे क्रिएटरों के घर में प्रोग्राम ही प्रोग्राम चल रहा है, लगभग सबके घर में। उधर अंकुश भैया के भी घर में प्रोग्राम चल रहा है, इधर सुचिता का भी प्रोग्राम है, और दोनों प्रोग्राम ऐसा संजो कि एक महीने के अंदर ही दोनों प्रोग्राम हो रहे हैं। तो कम है ना, सुचिता क्या 17 को है, अंकुश भैया को 24 को है, तो एक महीने से कम में ही दोनों प्रोग्राम है। तो अब बड़ा कंफ्यूजन हम लोग के साइड भी हो जाता है ना कि दोनों प्रोग्राम को अटेंड करना थोड़ा सा टारगेट हो जाता है। पर अभी सुचिता के यहाँ का कंफ्यूजन था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और आप लोगों का भी क्वेश्चन है कि सुचिता के यहाँ दीदी आप जाओगे कि नहीं जाओगे। तो मैं आपको बता दूँ, अभी तक मेरा सुचिता क्या का क्लियर ही नहीं हुआ था कि मुझे जाना है कि नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे, क्योंकि सौर्य जो है वो कहीं जाना नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम उनका मन ही नहीं लगता है, तो और सौर्य को छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। मगर आज फिर सौर्य से मेरी बात हुई तो हमने कहा कि बेटा चलोगे सुचिता दीदी के घर, और तुमको बहुत मानती हैं ये वो, बड़ा कन्विंस किए। तो सौर्य कहे चलिए अच्छा मम्मी ठीक है मैं तैयार हो गया हूँ। तो अब ये हो रहा है, अभी जस्ट आधे घंटे पहले हम लोग का क्लियर हुआ है, प्लान हुआ है कि हम लोग सुचिता के घर जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ सुचिता के यहाँ मैं जाना भी चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सुचिता का नेचर, बाई नेचर मुझे बहुत अच्छी लगती है सुचिता, और इस वजह से मैं चाहती हूँ उसकी बेटी के बर्थडे में मैं जरूर जाऊं। तो शायद अब मैं जाऊंगी, मतलब अब मेरा मतलब 90% क्लियर है कि मैं सुचिता के यहाँ जरूर जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब हम लोगों की आप कल से जो भी थोड़ी बहुत, अगर क्योंकि आप दो ही तीन दिन रह गए हमको लगता है, तीन दिन बचाइए, सारा प्लान करना है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम लोग की गाड़ी में भी सर्विसिंग नहीं है, तो हम लोग को गाड़ी अपनी सर्विसिंग करानी, क्योंकि इतनी दूर हम लोग कार से ही जाते हैं, हम लोग कहीं पर भी ट्रेन से जाते नहीं है, क्योंकि गाड़ी में ये रहता है ना कि सामने वाले को भी हम परेशान नहीं करते, उसकी सिटी में जाके ऐसा रहता है कि लोकेशन सेट कर दिए उसके घर पहुंच गए। अच्छा, हम दोनों लोग ड्राइविंग कर लेते हैं तो इसलिए और भी दिक्कत नहीं होती, आधी दूरी चलाते हैं आधी दूर हम लोग चलाते हैं, और कंफर्ट भी रहता है हम लोगों का। हाँ, तो जस्ट अब ये ब्लॉग भी एंड यहीं पे करेंगे, और फाइनली गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू डियर।